और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर, उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास से पहले, तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार बीजेपी और जदयू के बीच के रिश्ते की खटास अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में शामिल दल अब एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिन संजय जायसवाल ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया था। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जमकर हमला बोला था। संजय जायसवाल ने ये कहा था कि नीतीश कुमार की तरफ से, जदयू की तरफ से अग्निपथ योजना का विरोध या पुनर्विचार करने की बात से ज़्यादा बेहतर है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जो छात्र 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके ग्रेजुएशन को 3 साल में कंप्लीट करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। वहीं उनके बयान के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इस पर अपना सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी से जब आज पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त है और इसको करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको सुनाते हैं कि इन तमाम मसलों पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। कम से कम ग्रेजुएशन तो करवाइए, अग्निवीर का विरोध करने के लिए बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है की तरफ से, और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाएं। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, सौसमय चले, समय पर पूरी हो, नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट। तो आपने सुना कि किस तरीके से विजय कुमार चौधरी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त है और बीजेपी की तरफ से जो हमला किया जा रहा है बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन पे और नीतीश कुमार के शिक्षा व्यवस्था पर, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया। उन्होंने सफाई पेश की, आप कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि बिहार में सारी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और लगातार विभाग इस मसले पर काम करने की कोशिश कर रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।